दोस्तों कभी कभी आप खाना खाते होंगे और आपका जो भी पेट में खाना गया है वो एकाएक आपके गले तक आ जाता है। अगर ये नॉर्मल सप्ताह में एकाधो बार हो रहा है तो ये नॉर्मल में जा सकता है, लेकिन अगर ये लगातार बढ़ रहा है और अगर आपकी रात की नींद भी इससे खुल जा रही है, रात में भी नॉक्टर्नल में भी ये आपको अवेकनिंग करा रहा है, जगा दे रहा है, या फिर आपका जो ये फूड पाइप गया जिसके अंदर से आपका खाना जा रहा है इजोफेगस, उसके अंदर अल्सर हो चुका है छोटे छोटे, या फिर आपके जो फेनेक्स है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है, आपका वॉइस है उसमें भी हॉर्नेस आ गया, भारीपन वगैरह आ गया है, और ये जो भी आपके स्टमक में भोजन जा रहा है वो रिगर्गिटेशन बार बार हो रहा है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि GERD क्या होता है, यानी गैस्ट्रो इजोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज या डिसऑर्डर भी इसे बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने जा रही है कि क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके कौन से साइन सिम्टम हो सकते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराया जा सकता है, इसमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी जरूर कर लें अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी हेल्थ से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो पीडिया का हो, चाहे वो जनरल डिजीज हो, सारी की सारी वीडियो इस चैनल पे आपको समय के साथ मिलती रहेगी। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि GERD क्या होता है। फ्रेंड्स, GERD किसी भी, खासकर उन लोगों को हो सकता है जिनका एज या तो न्यूनेट्स हैं बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर डेवलपमेंट उतना नहीं होता तो उसकी वजह से उनको GERD हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर जो पैथोलॉजी देखा गया है उसमें LES क्या होता है, लोअर इजोफेगल स्फिंक्टर होता है। ये आपका खाना खाएं, खाना यहाँ से होते हुए आपका बोलस बनता है, यहाँ से होते हुए आपका जो खाना का पाइप गया है इजोफेगस गया, वहाँ से होते हुए ये अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपको एक होता है हर्निया, जिसको हियाटल हर्निया बोलते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे हो आपको GERD भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जैसे भोजन पहुँचता है उसके बाद आपका स्टमक शुरू हो जाता है, तो जो भी आपका खाना गया है वो स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पे एसिड यानी जो SCL वगैरह है इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो खाने को आपका चनिंग मूवमेंट वगैरह ये सब कर रही है मिक्स करता है, लेकिन यहाँ का जो इंस्पिंस्टर गया है लोअर इजोफेगल इंस्पिंस्टर गया वो वीक हो सकता है, या फिर वहाँ पे वीक होने के वजह से वो इंस्पिंस्टर पूरी तरीके से सही से बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है तो जो खाना गया है कभी कभी ऊपर में आ जाता है, जैसे ही ऊपर में आएगा तो खाने के साथ फ्रेंड जो SCL है वो भी ऊपर आता है, और पेट के अंदर आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रो के अंदर अलग अलग प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जिसके वजह से कि उसको हार्म नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड ये जो फूड पाइप गया है इजोफेगस गया है इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता, इसके वजह से आपको इजोफेजाइटिस हो सकता है, यानी जो आपका खाना का नली है उसके अंदर सूजन हो सकता है, उसके अंदर फ्रेंड अल्सर छोटे छोटे हो सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपका जो फेनेक्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपको बोलने में परेशानी हो सकता है, कभी कभी आप ऐसे फ्लैट सोए हैं, सोए हुए में भी खाना आपका ऊपर आने लग रहा है, तो ये सब के सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितना एपिसोड आना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आपका ओकेशनल हार्टबर्न हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, या फिर ये सब हो रहा है और लगभग 3 बार आपका रिगर्गिटेशन हो रहा है तो ये एक माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसमें उतना घबराने वाली जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दवा से आपको रिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो भी नर्व सप्लाई गए हैं, अगर नर्व सप्लाई डैमेज हो जाता है तो ये आपका लॉन्ग टर्म में हो जाता है, इसको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता है। बार बार अगर आपको एक ही सप्ताह में 3 से 4 बार 5 बार ये एपिसोड्स आना, यानी ये जो भी आपका कंटेंट है आपके फूड पाइप में इजोफेगस में आना शुरू हो गया है, तो फिर ये संभावनाएं हो सकती हैं कि आपका डिजीज धीरे धीरे माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर के तरफ बढ़ रहा है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें कि इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, तो फ्रेंड इसमें एंडोस्कोपी करते हैं, एक कैमरा और पाइप जैसा रहता है उसको डालते हैं, डाल के अंदर देखते हैं
कि कहाँ कहाँ छाले हुए हैं या कहाँ कहाँ सूजन इन्फ्लामेशन हुआ है। यूएसजी भी करवाया जा सकता है, सीबीसी वगैरह करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी एसीएल वगैरह फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो रहा तो कैंसर को भी कॉज कर सकता है, तो उस फैक्टर्स को रोकना होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है वो पीपीआई आता है। पीपीआई क्या होता है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी जो भी आपका एचसीएल होता है एच प्लस सीएल माइनस, तो वहाँ पे जाएगा ये एच प्लस वगैरह को, ये सबको रोक देता है। इसके वजह से कि जो एसिड का फॉर्मेशन आपके स्टमक में होता है वो कम होने लगता है। अगर एसिड का फॉर्मेशन कम होगा तो जो एसिड का रिफ्लेक्स हो रहा है वो ऊपर में उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो इसमें ओमेप्राजोल, रेबीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ऐसे ढेर सारे पीपीआई आते हैं। फ्रेंड्स इसमें प्रोकाइनेटिक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये मेटाक्लोप्रामाइड होता है, ये जाकर के आपका जो एलईएस है, लोअर इजोफिगल स्फिंक्टर है, उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको क्लोज करने में भी ये मदद कर सकता है। और भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कुछ एंटा एसिड्स वगैरह है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये वीडियो को अब शेयर ज़रूर करना है ताकि आपको माध्यम बना के आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सही सही नॉलेज पा सके। तो इस वीडियो को आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूले। इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग डिजीज के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आता हूँ।